हेलो हमारी ईयर यूट्यूब फैमिली, फाइनली आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसानी से LG मोबाइल के भूले हुए पासवर्ड को, पैटर्न को या पिन को आप आसानी से घर बैठे तोड़ सकते हैं। और आपको कोई भी कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई भी PC नहीं चाहिए, कोई भी लैपटॉप नहीं चाहिए या कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से उसी मोबाइल के थ्रू आप आसानी से तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को ये भी बता दूँ, अगर इसे तोड़वाने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर 200-250 चार्ज करेगा उस पैटर्न को, उस पिन को, उस पासवर्ड को तोड़ने के लिए। या अगर मान लीजिए कोई बड़ी शहर में जाते हैं या छोटी ही शहर रहेगी, अगर वहाँ लेके जाते हैं किसी दुकान वाले से आप उसे तोड़वाएंगे तो वहाँ पे आपसे 400-500 चार्ज कर सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एक रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से घर बैठे ही इसे तोड़ सकते हैं, खुद तोड़ सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक जेन्युइन तरीका बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से आप आसानी से किसी भी मोबाइल के पैटर्न को आप तोड़ सकते हैं अगर वो लॉक हो गया है तो। तो चलिए फाइनली बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। सो फाइनली अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सो फाइनली देखिए यहाँ पे यही मोबाइल है और इसी मोबाइल में पैटर्न लॉक हो गया है और ये LG की मोबाइल है। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है LG और मॉडल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे मोबाइल की सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इसी मोबाइल में पासवर्ड लॉक हो गया है और पासवर्ड लॉक होने के बाद से पासवर्ड भूल गए हैं और ओपन नहीं हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से इस सभी बटन के हेल्प से, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे इस बटन के हेल्प से आप आसानी से घर बैठे ही इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट करके आप आसानी से इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं फ्रंट में दिखा देता हूँ कि कैसा आपको देखने को मिल रहा है यह मोबाइल। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पासवर्ड डाला गया था, पासवर्ड भूल गया है और जो पासवर्ड याद है वो डाला जा रहा है तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ट्राई अगेन लिख दे रहा है और काउंटडाउन यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे 30 सेकेंड का यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जा रहा है जब भी यहाँ पे पासवर्ड डाला जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे दोबारा से मैं डालता हूँ, डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, अभी ये चल रहा है। तो ये जब 30 सेकेंड का कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ओपन होगा। तो चलिए फाइनली मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप आसानी से इस पासवर्ड को तोड़ सकते हैं। तो पासवर्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस मोबाइल को ऑफ़ करना होगा। तो ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ वाली बटन को प्रेस कर देना होगा। जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगी। स्विच ऑफ होने के बाद से आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो पावर वाली बटन है और यहाँ पर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, तो इसमें से सबसे पहले आपको पावर वाली बटन को प्रेस करना होगा और साथ साथ में ये वॉल्यूम अप वाली बटन को प्रेस करना होगा। दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी ये मोबाइल ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस तरीके से पकड़ के कर देता हूँ और तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, आप छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे उसके बाद से देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला है रिकवरी, दूसरा है फास्ट बूट और तीसरा है नॉर्मल। और यहाँ पे अगर आपको ओके करना है तो वॉल्यूम डाउन वाली बटन को प्रेस करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की बटन है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम डाउन के बटन को यहाँ पे एक बार प्रेस कर देना होगा। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा दूर करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम डाउन वाली बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे LG लिख देगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन में लेके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है नो कमांड। अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे इसके बाद से दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, इस पावर वाली बटन को और इस वाले बटन को, इस वॉल्यूम अप वाले बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करना है, प्रेस करके छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे
जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करके रखना है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे होल्ड करके रखना है दोनों को, और उसके बाद से छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से यहाँ पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं प्रेस किया तो एक ऑप्शन आ गया, और जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो हमें इस मोबाइल को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर आना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है स्वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे लाने के लिए हम वॉल्यूम डाउन वाले बटन को प्रेस करेंगे। जैसे वॉल्यूम डाउन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट वाले पे आ जाएगा। अभी आने के बाद से अभी इसे ओके करना है, तो ओके करने के लिए सिंपली हम इस पावर वाली बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे पावर वाली बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस में लेके आ जाएगा। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, पहला है कैंसल और दूसरा है फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ये दूसरा वाला, फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले पे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद से दोबारा से आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे पावर वाली जो बटन है उसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये स्विच ऑफ हो गया है, बंद हो गया है, और इसके बाद से ये फॉर्मेटिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चलिए इसे हम फॉर्मेट होने देते हैं और वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम ये ले लेता है। और इसके बाद से देखिए यहाँ नीचे आप सभी देख पा रहे होंगे सारा डेटा को यहाँ पे डिलीट कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं और क्लोज़ करके आप सभी को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग डेटा लिख दिया है, मतलब इस मोबाइल में जितना भी डेटा है उस डेटा को यहाँ से इरेज़ कर रहा है। तो चलिए इस प्रोसेस को होने देते हैं और वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। सो फाइनली देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर में देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन आ गया है। सिंपली हमें क्या करना होगा, रिबूट यहाँ पे कर देना होगा। जैसे यहाँ पे रिबूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिबूट हो जाएगा और ये डिवाइस रीस्टार्ट होगा। देखिए अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके बाद से सेटअप करना होता है, बहुत सारा स्टेप है। तो चलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आगे वाले स्टेप को मैं आप सभी को बताता हूँ। सो फाइनली देखिए यहाँ पे ये अब रीस्टार्ट हो रहा है, अब ओपन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोल रहा है। इससे पहले मैंने बताया था कि ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद से सेटअप करने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है, तो सिंपली स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस में लेके आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमें मोबाइल से कनेक्ट नहीं करना है, इस स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन में लेके आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करके तभी सेटअप करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। वाईफाई से कनेक्ट करके मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना होगा, बैक आना होगा। बैक आने के बाद से दोबारा से देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया है। जैसे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट लिख देगा, और यहाँ पे अभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को मैं पॉज करके फॉरवर्ड कर देता हूँ। फॉरवर्ड करके मैं आगे वाले स्टेप में आप सभी को लेके चलता हूँ और वहाँ पर आप सभी को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन में लेके आ जाएगा, या कुछ इस तरीके से इंटरफेस में लेके आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, डोंट कॉपी, और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें डेटा को कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर डोंट कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड लिख देगा, और यहाँ पर ये प्रोसेस होने लगेगा, और ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आगे वाले स्टेप में लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस में लेके आ गया है, और यहाँ पे जो पुराना वाला जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है। जब तक पुराना वाला जीमेल आईडी यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पुरानी वाली जीमेल आईडी है उसे आप लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करके आप आगा
उस जीमेल आईडी को, उस जीमेल आईडी को लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करके आप आसानी से इस डिवाइस को ओपन कर सकते हैं। सो फाइनली आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आसानी से घर बैठे ही आप आसानी से LG मोबाइल के पैटर्न को, पिन को या पासवर्ड को अगर लॉक हो जाता है तो उसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं, वो भी बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के। सो फाइनली यहां पे मैंने इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा से समझा दिया है। अगर आप नहीं समझे होंगे तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एक ही बार आप इस वीडियो को देखेंगे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने बहुत अच्छा से समझाया है, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक लोग इस वीडियो से लाभ उठा पाए और अगर उनके मोबाइल में इस तरीके का कोई भी दिक्कत है वो आसानी से देखने के बाद से अपने मोबाइल को सही कर पाएँ। सो फाइनली अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। सो फाइनली यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का इस हृदय के अनंत गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।